तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आई जी गेम्स की एक ब्रांड नई वीडियो में। और आज मैं फिर से देगा खेल रहा हूँ सर्वाइवल और राफ्ट। और बहुत दिनों से ना मुझे कमेंट आ रहे थे कि एक बैटरी चार्जर बनाओ। तो देखो, मैं सबसे पहले फटाफट ही फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ और अपने को आज के दिन बनाने का ना एक बैटरी चार्जर, क्योंकि देखो अपने पास इतनी सारी बैटरी देना। किधर है किधर है? ये देखो, ये वाले चेस्ट के अंदर अपने पास इतनी सारी बैटरी है जो कि पूरी डेड हो चुकी है, उनको चार्जिंग नहीं है उसके अंदर। और बैटरी यूज़ कहाँ होती है अपनी, इसके अंदर यूज़ होती है देखो, पावर सप्लाई। और इसको चार्ज करने के वास्ते एक ब्लूप्रिंट आता है जो कि अपने को आइलैंड के ऊपर मिलता है। देखो ब्लूप्रिंट के अंदर जाके एक रहता है बैटरी चार्जर। तो बैटरी चार्जर बनाने के वास्ते लगते सिर्फ 3 प्लेट और 8 रोप और 5 लगते इलेक्ट्रिक पार्ट। और बैटरी चार्जर को लगाने के वास्ते लगते है कि ये देखो थंडर टारगेट, जिससे कि बिजली अपने इस पर गिरती है। तो उसको बनाने का लगता है अपने को रग और लगते डर्ट। तो फटाफट से सब सामान ले लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या लेना है, जा पूछ क्या? रोप ले लिया देखो, और इलेक्ट्रिक पार्ट्स, और देखो और प्लेट, और देखो डर्ट और रग। तो देखो हर एक चीज हो गई अपने पास, जो जो चीज अपने को बनाने का लगने वाली थी। तो और इसका ब्लू प्रिंट ना बिग आईलैंड के ऊपर मिल जाएगा। तुम लोग को बिग आईलैंड के ऊपर जाना, बिग आईलैंड के ऊपर जाने के वास्ते ब्लू प्रिंट लगता है अपने को। ब्लू प्रिंट बोल रहा हूँ, वे भी लगता है जो कि देखो इसके अंदर पढ़ा हुआ बता देता हूँ। देखो ये है बिग आइलैंड वाला, ये वाला शायद बिग आइलैंड वाला एक भी नहीं है मेरे पास। बिग आइलैंड वाला मैंने सब खत्म कर दिया। पर देखो अभी अपन बैटरी चार्जर बनाने वाले हैं और देखते कैसा यूज़ होगा इसका, क्या क्या होगा। तो मेरे ख्याल से यही जगह पे एक बनाते हैं अपन। देखो ये अच्छी जगह है कोने में, और इसको सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक थंडर, ये जो कि इधर बनाएंगे। अरे यार कोई अच्छी जगह बनाता, रुक जाओ पहले इसको कट करके झाड़ को यहाँ से हटाता हूँ। झाड़ हटेगा क्या? नहीं नहीं झाड़ तो हटने का नाम नहीं ले रहा, फिर भी ठीक है चलो इसको बना देते हैं अपन। इधर ही तो इधर नहीं बनाएंगे अपन, उधर अपन ने इतनी बड़ी जगह बना के रखे तो उधर बनाएंगे। हाँ तो देखो इतनी बड़ी जगह के ऊपर आ चुका हूँ मैं, पूरा 100x100 10x10 का ये। पर ठीक है चलो इसको अंदर बनाते हैं अपन एक अपना थंडर। ये देखो ये बन गया थंडर का, ये जितने चाहे उतने बना सकते हैं अपन, इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। और उसके अंदर बनाने का एक अपने को बैटरी चार्जर, ये देखो ये रहा एक बैटरी चार्जर। उसके वास्ते और प्लेट और रोप और ये लगती है। और देखो कोने के अंदर एक आराम से छोटा सा बैटरी चार्जर लग के तैयार हो जा रहा है। देखो इसके ऊपर एक वायर अटैच है जिससे कि अपनी जो थंडर गिरती है, ऊपर से बिजली गिरती है, वो नीचे चले जाती है ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर। तो इससे अपन एक बैटरी चार्जर कनेक्ट करके इसके अंदर लगा दिया अपन ने, जिससे कि एक बैटरी चार्जर बन जाएगा। तो जैसे ही यहाँ बिजली गिरेगी रात में, क्योंकि तूफान आता है देखो, कभी कभी रात होती है ना तो तूफान आता है, और उससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो अभी अपने को एक खाली बैटरी लेनी है, और एक खाली बैटरी इस पे रख दे, रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। और अभी अपन को बस रात करके लानी है। और देखो बैड भी इधर ही लेके आ गया मैंने। और अभी रात करते हैं और देखते हैं अभी कैसा होगा अपनी वो थंडर स्टॉर्म होता है कि नहीं, क्योंकि पूरी रात के अंदर एकदम थंडर स्टॉर्म होता है, एकदम काली रात होना चाहिए। तो हर बार नहीं होता है वो, कभी कभी आता है। हाँ तो देखो मैंने पहले ट्राई करके देखा था, तो देखो पूरे इधर बारिश ही बारिश हो रही थी, और ये मेरा पूरा घर हिल रहा था। इसी वजह से मेरा घर टूटा है देखो, पूरा के पूरा टूट के छकना शुरू हो गया था, क्योंकि इतना खतरनाक तूफान आया था इसके अंदर। और देख लो अभी थोड़ी देर के अंदर ही मैं जाऊंगा उधर। ये देखो पूरी घर की हालत ख़राब हो गई थी तूफान के अंदर, पूरा यहाँ से वहाँ से हर जगह से टूट गया था। और देखो बिजलियाँ भी कड़क रही थी, और मैंने इधर एक लगा के रखा हूँ आगे अपना बैटरी चार्जर। देखो बिजली कैसी पूरी कड़क रही थी, और ये बैटरी चार्जर के ऊपर एक बार बिजली गिरी और ये बैटरी चार्ज हो गई। देखो देखो इन्वेंटरी में जाके देखो, बैटरी चार्ज हो गई, पर उसके बाद है ना ये मेरा ये टूट गया था। तो मतलब एक बार में एक ही बैटरी चार्ज हो सकती है, क्या पता दूसरी चार्ज हो गई कि नहीं, क्योंकि देखो बहुत देर के बाद भी वो गिरा नहीं वापस बिजली। पर देखो ऐसे ही आता है तूफान, देखो पूरी बिजली बिजली कड़कती है। तो रात होने देने का और रात में इंतज़ार करने का, और ऐसा लगा के रखेंगे तो आएगी अपनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। हाँ तो देखो देख लिए रहेंगे तुम लोगों ने कैसी बैटरी चार्ज होती है। अब इसको भी रहने देता हूँ मैं, कभी और वीडियो के अंदर अगर अपनी कभी गिरती रहेगी बारिश तो ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन में एक ही बार बारिश गिरती है देखो, फिर भी एक दो बार ट्राई करते हैं और अपन, और बहुत खतरनाक माहौल हो जाता है पूरा। तो तुम सोच सो के ट्राई कर सकते हो वैसे। अभी तो मौसम एकदम सफाई सफा दिख रहा है, पर बारिश बहुत खतरनाक गिरती है। घड़ी के अंदर तुम टाइम भी देख सकते हो कितना होता है, तो रात में मतलब समझो 12-2-3 बज जाते जब जाके वो बारिश गिरती है। तो रात में भी तुम लोग सोया मत करो, सर्वाइव करो थोड़ी देर। तो जिससे कि देखो अभी जैसे कि 6:30 बज रहे इसके अंदर, तो जैसे ही रात के 12-1 बजेंगे तो तूफान आएगा। तो बस आज के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बता देना कि एक बार से कितनी बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि मैंने पहले ट्राई किया था तो सिर्फ एक ही बार बैटरी चार्ज हुई थी।
क्या पता दो तीन बार होती होगी, मेरा एक ही बार में टूट गया रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले से लगा के रखा था उसको ऊपर, उसके वजह से टूट गया रहेगा। तो बस भाई भाई क्या कर रहा हूँ मैं।